टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टॉपिक पर अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी मैंने ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वे में है कि यहाँ कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि कॉमन डिफरेंस तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए वहाँ पर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था। आज हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव किस तरह से मिलता है। क्वेश्चन है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन सच अ मैनर दैट 20 लॉग्स आर प्लेस्ड इन द बॉटम रो, 19 लॉग्स आर प्लेस्ड इन द नेक्स्ट रो एंड 18 लॉग्स आर placed in the next row to it and so on। यहाँ पर 200 logs हैं और उन्हें इस तरह से रखा गया है कि जो सबसे नीचे वाली row है उसमें 20 logs हैं, फिर 19 है और फिर 18 है। तो question पढ़ के पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर arithmetic progressions आप इसका concept apply कर सकते हो। सबसे पहले हम AP list करते हैं। bottom row में 20 logs हैं, then 19, then 18 and so on। यहाँ आप देखें first term a 20 है और common difference a2 minus a1 करना है आपने, 19 minus 20 is equal to minus 1। इसे आप 20 minus 19 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि succeeding term में से preceding term को हमें subtract करना होता है। तो sign का ध्यान रखें, 19 minus 21 is equal to minus 1। और इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। उसके बाद देखें, हमें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स पता है, मींस हमें इस एपी का सम गिवन है। तो हमने सम ऑफ फर्स्ट एनथ टर्म का फॉर्मूला लिखा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखें टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना है, 200 n बाई 2। n हमें नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो नंबर ऑफ रोज हमें बतानी है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो वो अननोन है, वही फाइंड आउट करना है। तो n की जगह आप n ही लिखा रहने दें, बाकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। जैसे फर्स्ट टर्म a 20 है यहाँ पर, तो 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1। और देखिए d माइनस 1 लिखा है मैंने, ध्यान से लिखें आप, ये नेगेटिव साइन यहाँ ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है हमें, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू जीरो। इसके मैंने आपको मेथड तीन तरह के बताए हैं, उनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स पता करे हैं, जो मुझे मिलते हैं n माइनस 25 एंड n माइनस 16। देखिए आपको फैक्टर्स मिले हैं n माइनस 25, एक बार इसे 0 के इक्वल रखिए, और दूसरा है n माइनस 16, एक बार इसे 0 के इक्वल रखते हैं। तो n की वैल्यू मिलती है आपको यहाँ 25 और वहाँ मिलती है 16। अब दो आंसर्स तो हो नहीं सकते, तो अब हम चेक करते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा आंसर हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ देखें आप, nth टर्म का फॉर्मूला लिखा है मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम n की जगह रख देते हैं 25, तो 20 फर्स्ट टर्म है, 25 यहाँ nth टर्म है, माइनस 1 और d है माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है आपका माइनस 4। और देखिए दूसरा आंसर है आपके पास 16, n की जगह 16 रखते हैं, फिर से 20 प्लस 16 माइनस 1 और इंटू माइनस 1 करते हैं, तो यहाँ आता है आपका 5। तो यहाँ आपको क्लियरली पता चल रहा है कि नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज 5। और ये जो कंडीशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो इज माइनस 4, विच इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव तो वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम ये वाला आंसर डिस्कार्ड कर देंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 16 रोज, और सेकेंड क्वेश्चन जो था, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो टॉप रो में 5 लॉग्स होंगे। तो इस तरह आप
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आपको जो भी कुछ चैप्टर से रिलेटेड सिखाया गया है, आप सारे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें और उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। आप ज़रूर सही आंसर तक पहुँचेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।